तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन इन्हीं से आप सीखना स्टार्ट करते हैं। किसी बड़े क्वेश्चन को जब भी ये न्यू आपको प्रोवाइड करेंगे कि बड़े क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, तो जब भी छोटे क्वेश्चन को करा करिए, आप उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं इनका ध्यान दिया करिए। जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले कोई भी आप अप्रोच करते हो तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बहुत लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते क्वेश्चन कह क्या रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया आपका, कि जब क्वेश्चन आपने एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया तो कुछ उसके एंकर पॉइंट्स होते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ एंकर पॉइंट्स होते हैं जो आपको डिसाइड कर लेने होते हैं कि हमें ये करना है, और ईच एंकर पॉइंट्स को आपको थॉरली देखना होता है कि कैसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है, एक बार आपने डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया या एंकर पॉइंट डिसाइड कर लिया, तो आपको एग्जीक्यूट करना होता है कि हर एंकर पॉइंट को एग्जीक्यूट करते हुए चले जाते हैं, और लास्ट में आपका आंसर होता है। तो जब आप घर पे क्वेश्चन कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपके पास आंसर्स तो पता रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जब भी आप देते हैं आंसर नहीं पता होता है। तो आप शुरू से ही वेरिफिकेशन की आदत डालिए कि जो आपका आंसर आया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो वेरिफिकेशन भले रिक्वायर्ड नहीं है आपका एक्सरसाइज में, लेकिन आप वेरिफिकेशन की आदत डालिए। क्वेश्चन आपको कितना आंसर देना है वो आपको पता है, लेकिन वेरिफिकेशन आपको फाइनली करना होता है ना। आप करके देख लीजिए कि आपका वो सही है क्वेश्चन या नहीं है, ये हर क्वेश्चन में फॉलो किया करिए। चलिए देखते हैं। तो आपके पास ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये इनवर्स जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये एक एंगल प्रोवाइड करते हैं, और वो एंगल प्रिंसिपल ब्रांच से होना चाहिए। प्रिंसिपल ब्रांच का मतलब क्या होता है, कॉस इनवर्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच आपको दिख रहा होगा कि कॉस इनवर्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच क्या है। ठीक है, तो वहां से एंगल होना चाहिए, बाद में हम इसे वेरीफाई करेंगे। खैर, ये एक एंगल होगा। अब सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, आपका पहला एंकर पॉइंट हो गया कि आप ये देखना चाहोगे कि √3/2 कॉस के किस थीटा के लिए ये पॉसिबल होता है √3/2। ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा एंकर एंकर पॉइंट हो गया कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स लिखना होता है, बशर्ते एक्स प्रॉपर हो। प्रॉपर का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू हो उसकी या उसकी रेंज में लाई करता हो। ठीक है, जैसे हमें ये पता है कि √3/2 कॉस के किस एंगल की वैल्यू होती है, कॉस के 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं आप, कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स। ठीक है, इसका मतलब कि दिस √3/2 कैन बी रिप्लेस्ड बाई कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स। अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिंस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स कुड बी रिटेन एज ए एक्स, है ना, वेन एवर एक्स इज मेंबर ऑफ 0 to π होगा, क्योंकि यहां कॉस है। ठीक है, तो ये एक्स कहां होना चाहिए, इसकी रेंज में होना चाहिए, और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से π। तो यहां पे देखिए ये चीज क्या है, π/6, और π/6 0 से π में है। तो हम लोग यहां पे ये मेरा क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। वेरिफिकेशन के लिए आप देख सकते हो कि जो ये वैल्यू होगी, ये कॉस इनवर्स इसका ग्राफ होता है, ये -1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पाई हो गया, ये 0 हो गया, और ये जाहिर सी बात है 90 डिग्री या π/2 रेडियन कहोगे। अब 0 से π/2, ये π/6 क्या होगा, ये कुछ आपका 30 डिग्री है, ये 0 या 90 डिग्री, 30 डिग्री आपका कहीं होगा यहाँ पे, तो दैट इज योर दिस। तो वेरीफाई हो रहा है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आपका माइनस जो भी √3/2 है, दैट इज योर फाइनल आंसर।